आप पूरा जैसे आज के दिन में किस तरीके से शिक्षा बेरोजगारी लाचारी गरीबी बढ़ रही है, गाँव का किस तरीके का किसान आत्महत्या कर रहा, नौजवान आत्महत्या कर रहा, आज के दिन में जो तो शिक्षा मित्र कितने मर गए, आज के दिन में कई हजार शिक्षा मित्र मर गए बेरोजगार, आज के दिन में जो है प्रेरक मर गए, आंगनबाड़ी सबका गारंटी लिया था मोदी ने कि हमें वोट दे दो संविदा कर्मचारियों को, हम जो है आपको करेंगे पेंशन हम देंगे, तो हम कहते हैं झूठ बोल कर काम करते चलेगा, ये हिटलर नहीं हुकूमतशाही है और ताना लोकशाही नहीं उनकी तानाशाही है। इसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता पूछा था कि सारे कैबिनेट मंत्रियों का नाम बता दो, तो शायद नहीं बता पाएगा क्योंकि मंत्री को छूट ही नहीं काम करने का, उसको कोई पावर नहीं है, सारी फाइल जम्मू ऑफिस में है और केवल एक व्यक्ति वही अमित शाह और मोदी, और ये दोनों ने पूरा बकरी बना रखा अपने पार्टी के सभी लोगों को, तो जो अपनी पार्टी के लोगों को बकरी बना रखता हो और जनता का क्या हाल करेगा नहीं हो सकता। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हम सभी मीडिया चैनल को बधाई देता हूँ कि आज के दिन में पूरा देश को बधाई देता हूँ कि कम से कम आज इस संवेदनशील समय पर सारे लोग एक साथ हैं और मीडिया के लोगों ने किस तरीके से गोरखपुर में लूट रहे थे वोट को, हम चाहते हैं चुनाव आयोग को भी कि हर जिले में बैठ के गिनती हो, अगर पूरे दिन में हर एक बूथ पर बैठ के गिनती हो, स्पष्ट 6 सेकंड जो रोकने का जो है कागज जो है जो जिसमें मुहर लगा रहेगा वो और रोका जाए, जिससे कि जल्दी से नहीं थोड़ा देर तक देख लें, और मशीनों की संख्या और बढ़ा दिया जाए, लाइनों की संख्या और बढ़ा दी जाए, लेकिन वीवीपैट की भी गिनती की जाए, और जैसे नोट गिना जाता है उसे मशीन लगा दिया जाए 6 घंटे और दोनों गिनती हो जाए, दोनों टैली कराया जाए, तब जाके काम हो, और ईमानदारी से होना चाहिए। और चुनाव आयोग के ऊपर इतनी उंगली उठ रही है तो चुनाव आयोग को कम से कम उसका जवाब देना चाहिए, और चुनाव आयोग को जनता के साथ रहना चाहिए बल्कि सरकार के साथ। शर्म की बात है कि चुनाव आयोग जो है अभी डेटी नहीं क्लियर किया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नाम है अमित शाह कहते हैं फला तारीख के बाद पता चल जाएगा लोगों को, कैसे पता चल जाए, इसका मतलब चुनाव आयोग उनके हाथ में कठपुतली बना हुआ है और उसने इस काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ, देश की जनता से अपील करता हूँ, इस परिवर्तन में इस गठबंधन में माननीय अखिलेश जी बहन जी के साथ हम लोग हैं और निषाद पार्टी आरएलडी पार्टी हम लोग साथ चुनाव होना और लड़के जुटकर बताएंगे, और ये 70% जो वोट बिखरा हुआ था और अभी जो है अभी 70 की बात छोड़िए 30 उसमें भी आधे लोग नाराज हो गए, अपने बेस वोट को भी नाराज कर दिया उन्होंने क्योंकि नोटबंदी और GST लागू करके और जिस तरीके से बेरोजगारी पैदा किया है, तो आज भारतीय जनता पार्टी अपने बेस वोट को भी बर्बाद किया है, व्यापारी खुद परेशान है क्योंकि GST से रोज काम कर रहा। तो इस तरीके से हम सभी अपील करते हैं जनता से, इस परिवर्तन में सभी लोग मेरे साथ रहेंगे और